आश्रम की छत पर मैं बैठा था, कुछ पढ़ रहा था। मेरे सामने मैंने देखा कि कुछ काली चींटियां घूम रही हैं, चार पांच। कहीं से पांच सात चींटी लाल भी उधर प्रकट हो गई। देखते देखते उन लाल चींटियों ने वो काली चींटियों को मार डाला, टुकड़े कर दिए उनके। लेकिन कैसे भी एक चींटी बच के भाग निकली। वो मैंने जाती देखी कि एक चींटी इसमें से भाग कर जा रही है, बाकी चार पांच चार को मार डाला लाल चींटियों, टुकड़े कर दिए थे। खेल खत्म हुआ। लेकिन मेरी नजर तो उधर बार बार जाती थी। थोड़ी देर के बाद ही मैं देखता हूं कुछ चार मिनट तीन मिनट के बाद कि दर्जनों काली चींटियां आ रही हैं, और वहां घूमने वाली जो चींटियां थी पांच सात लाल, उनको पकड़ लिया चारों तरफ से और टुकड़ा करना शुरू कर दिया। तो एक एक दो दो टुकड़े करे चींटियों के, दो दो के चार चार टुकड़े करे, टुकड़े करती ही चली गई काली चींटियां लाल चींटियों के, और इतने टुकड़े कर दिए कि वो रेत तो नजर आ जाए लेकिन वो नजर नहीं आते, टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी आंखों से ओझिल हो गए वो टुकड़ा देखना, बड़े छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो 10,000 टुकड़े कीजिए बाल के आगे की नोक के, और एक टुकड़ा उठाइए उतना आपका स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप। उस टुकड़े के कारण, उस बड़े सूक्ष्म कण के कारण ये शरीर जो है शाइनिंग हो रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, आंखें देख रही हैं, हाथ काम कर रहे हैं, कान सुन रहे हैं। वो इसमें से निकल जाए तो इसको मृत घोषित कर दिया जाता है, बदबू आने लगती है, सड़ने लगता है, दफना देती है, जला देती है। वो आत्मा है। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह। असम्मोह क्या है? एक तो मोह है अज्ञान, असम्मोह है ज्ञान, अनासक्ति। मोह मानी आसक्ति, यहां भगवान कहते हैं अनासक्ति। अनासक्ति मुझसे आती है, डिटैचमेंट, वैराग्य, क्योंकि वो परम वैराग्यवान है। वैराग्य उदय होता है संसार से उदासी। वैराग्य बड़ा शुभ है लेकिन संसारिक बुद्धि के लोग उसको अच्छा नहीं मानते। किसी को वैराग्य पैदा हो जाए कि वो हरि भजन में लग जाए, घर वालों को पसंद नहीं है। वो तो बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं कि बेटा इंजीनियर बनेगा, कारें खरीदेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, इंडस्ट्री लगाएगा। ये वैरागी हो गया, उदास हो गया संसार से जीने से, ये क्या ध्यान में लग गया, भजन में लग गया। बुरा मानते हैं लोग, जो मेटरलिस्टिक लोग हैं वो बुरा मानते हैं। तो बुद्धि भगवान से आती है, शुद्ध बुद्धि। ज्ञान, ज्ञान कहते हैं आत्मा, ये आत्मा को और भौतिक 24 तत्वों को अलग अलग जो जानती हो उसको ज्ञान कहा है। अलग अलग जो जान ले उसको ज्ञान कहा है। 24 तत्व हैं, मैंने अभी बतलाए थे, और 24 तत्वों से पृथक आध्यात्मिक आत्मा है इटर्नल सच्चिदानंद। इन दोनों को जो ज्ञान जान लेता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान भगवान से मिलता है, भगवान के प्रतिनिधियों से मिलता है, भगवान के शुद्ध भक्तों से मिलता है, भगवान से मिलता है। बुद्धि की देवी सरस्वती देवी है लेकिन वो तो भगवान की अंश ही तो है। तो यदि कहा जाए कि
ये सब भगवान से मिल रहा है तो ज़्यादा उचित है ये कहने से कि ये सरस्वती से मिल रहा है। क्यों सरस्वती को ज्ञान कहाँ से मिला? उस परम भगवान से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सब मुझसे मिलता है, बुद्धि, ज्ञान, अनासक्ति। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह, क्षमा, क्षमा का भाव। भगवान क्षमाशील हैं, क्षमा के सागर हैं, दुष्टों को भी क्षमा कर देते हैं। शिशुपाल 100 गाली निकालता है भरी सभा में, उसको क्षमा करते रहे। लेकिन अपराधों की भी एक हद होती है, रावण को भी तो क्षमा करते ही रहे थे, लेकिन अपराधों की एक हद होती है, फिर क्षमा नहीं किया जा सकता। कंस का भी वही हाल है, क्षमा करते रहे तब तक करते रहे। कंस भी था, अपराध भी करता था, कृष्ण भी थे। कंस दूतों को भेज के नवजात शिशुओं को मार रहा है, महात्माओं को मार रहा है, नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है, तकलीफें दे रहा है, तब भी कृष्ण थे। जब हद हो गई अपराधों की तो मार डाला, कंस को मार डाला, शिशुपाल को मार डाला, रावण को मार डाला, हिरण्याक्ष को मार डाला, हिरण्याकश्यप को मार डाला। भगवान कहते हैं कि क्षमा मुझसे प्रकट होती है। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते हो वो भगवान से नहीं प्रकट, वो आपके मन से प्रकट होती है, आपके अहंकार से प्रकट होती है। क्षमा का भाव आपकी आत्मा में विराजमान परमात्मा से प्रकट होता है। शुद्ध बुद्धि भी आपको आत्मा से प्राप्त होती है, शुद्ध ज्ञान भी आत्मा से मिलता है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा छुपे हैं। आत्मा भी भगवान का ही अंश है, भगवान ही है, कर्ण स्वरूपा। आत्मा को भी कृष्ण ही कहा है, लेकिन टाइनी कृष्ण, बहुत छोटा कृष्ण। ये सारा संसार ही कृष्ण है। जब भगवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा था, उस समय भरत जी नहीं थे अयोध्या में, वो अपने नाना जी के यहाँ थे, ननियाल में थे। लेकिन उनको जब मालूम चला तो अयोध्या आए और बिलक बिलक कर रोने लगे अपने पिता की मृत्यु को देख करके। महाराज दशरथ जी का शरीर छूट गया था और भाई 14 वर्ष के लिए वन में गए हुए हैं, लक्ष्मण भी, राम भी, भाभी सीता जी भी। तो भरत जी बहुत रोए कि धिक्कार है मेरी इस जननी को, कैकेयी को, इन्होंने ये क्या कर दिया, मेरे प्राण प्यारे भाई राम को, लक्ष्मण को वन में भेज दिया, उनके वियोग से मेरे पिता की मृत्यु हो गई, धिक्कार है इस जननी को जो मुझे इस राज सिंहासन बैठाना चाहती है। आंसुनी पहुंचते हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तब वशिष्ठ जी महाराज ने उनको समझाया, जो उनके कुलगुरु हैं, ऐसे कहते हुए तुलसीदास जी ने अच्छा इसमें दोहा दिया है अपनी रामायण के अंदर। सुनो भरत भावी प्रबल विहस कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। हे भरत रो मत, आपके पिता की मृत्यु हुई है लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। ये 6 वस्तुएं भगवान ने किसी को नहीं दी, ये सब भगवान के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण अपयश, यश और अपयश। इसी प्रकार से भरत को समझाते हुए
वशिष्ठ महाराज शांत करते हैं उनको। यहां पर जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें ऐसी ही बातें हैं। जब जीव भगवान की शरण में होता है तब भी बुद्धि मिलती है, और जो अशरण होता है तब भी बुद्धि मिलती है। तो भगवान ने कहा बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह। जब कोई जीव भगवान की शरण लेता है, भगवान का भजन करता है, ध्यान करता है, कीर्तन करता है, भगवान को अपने जीवन में परम लक्ष्य मानकर जीवन जीता है, चलता है, तब जाके उसको बुद्धि आती है। वो बुद्धि भगवान को जानने की शक्ति रखती है, भगवान को पहचानने की शक्ति रखती है, भगवान का भजन करवाती है, ध्यान करवाती है, धारणा, समाधि इत्यादि। ऐसी बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि होती है। लेकिन भगवान ने दो बुद्धि का यहाँ पर न करने की आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए जो भगवान की शरण में जो नहीं है उनको भी बुद्धि आती है, लेकिन वो कुबुद्धि होती है, वो संसार में फंसाने वाली बुद्धि होती है, उसको अविद्या कहा है शास्त्रों में। जो संसार में फंसाती है विद्या उसको अविद्या कहा है, और जो विद्या नाम से जानी गई है वो भगवान से मिलाती है, वो परमानंद की ओर ले जाती है, अविद्या निरानंद की ओर ले जाती है। तो जो सांसारिक बुद्धि हम प्राप्त करते हैं संसार में ये सब अविद्या है, चाहे वो इंजीनियरिंग की बुद्धि हो या डॉक्टर बनने वाली बुद्धि हो या इंद्र के पद को प्राप्त करने वाली बुद्धि हो, यहाँ तक सब अविद्या है। जो संसार के भोग विलासों को भी मांगने लगी हुई है वो अविद्या है, वो भी एक बुद्धि है। लेकिन ये बुद्धि किसको मिली? जो भगवान की शरण में नहीं है। और वह बुद्धि जिससे हमको आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, परमेश्वर मिलते हैं, ये सब बुद्धि भगवान से मिलती है जो भगवान की शरण में जीव होता है। वो भी भगवान से मिलती है कुबुद्धि भी, जो भगवान के अशरण है, शरण में नहीं है। ऐसे ही ज्ञान का विषय है। जो ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम आत्मा को पृथक करते हैं और 24 तत्वों को, ये भौतिक तत्व को अलग देखते हैं, ऐसा ज्ञान और विज्ञान तभी मिलता है जब हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के भक्तों के चरणों की धूल लेने को तरसते हैं, तब हमको सच्चा ज्ञान मिलता है, तब हमको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है। और जब भगवान को हम भूल करके संसार का ज्ञान बटोरते हैं, संसार के भोग विलासों का ज्ञान, वो ज्ञान सांसारिक ज्ञान है, ये भी भगवान से ही मिलता है। आपको जो भी कुछ मिलता है भगवान से ही मिलता है, लेकिन देखो इसमें फर्क कितना है। एक भक्त को ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान कितना तरल और सूक्ष्म है, जिस ज्ञान से भगवान को भी ले जाया जा सकता है, भगवान तक जाया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के धाम को, परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है। और एक ज्ञान वो है जो संसार में बार बार आपको जन्म मरण जरा व्याधि इत्यादि में भटकाता है, ये भी ज्ञान भगवान से ही मिल रहा है। लेकिन उनको मिल रहा है जो भगवान में कोई रुचि नहीं रखते, भगवान को जानने की जिनकी कोई इच्छा नहीं है, अपने आप को पहचानने की भी जिनको कोई होश नहीं है, उनको ये संसारिक ज्ञान मिलता है। फिर वो संसारिक ज्ञान में कुछ भी करें, चाहे रॉकेट बनाएं या चंद्रमा पर जाएं, चंद्रमा पर ब्लास्टिंग करें या एटम बनाएं, दुनिया को तबाह करने की ज्ञान पैदा करें, या कोई शरीर की बीमारी को दूर करने का ज्ञान पैदा करें, शारीरिक ज्ञान है, देहात्म बुद्धि और आत्मबुद्धि। आत्मबुद्धि आत्मा का ज्ञान करवाती है, देहात्म बुद्धि देहात्मा का प्राप्त करवा, देह का, ये भौतिक का ज्ञान करती दिलाती है। ऐसे ज्ञान है
आत्मिक ज्ञान है ये गीता। आपको आत्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा का ज्ञान देता है, परमेश्वर का ज्ञान देता है गीता शास्त्र। तो जो भगवान की शरण में रहना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं, जो परमात्मा की खोज में निकले हैं, परमानंद की खोज में निकले हैं, उनको भी भगवान ज्ञान देता है, लेकिन वो आत्मज्ञान होता है। और उनको भी ज्ञान देता है जो भौतिक की खोज में निकले हैं, कोयला कहाँ मिलता है, हीरे का क्या भाव है, सोना चांदी के खजाना कहाँ है, उसको भगवान, वो ज्ञान भी भगवान ही देता है, लेकिन वो भगवान हमको फंसाता है। दैट नॉलेज इंटेंगल्ड टू अस इन मेटेरियल वर्ल्ड, वो भौतिक संसार में फंसाने वाला ज्ञान है। बार बार फिर हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, बुढ़ापा आता है, कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर मिलते हैं, अलग अलग माता पिता मिलते हैं, अलग अलग ऊपर नीचे की धरतियाँ मिलती हैं, स्वर्ग नरक मिलते हैं, संसार में पड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं दलदल में, मझधार में। तो बुद्धि भी भगवान से आ रही है दो प्रकार की, ज्ञान भी भगवान के पास से आ रहा है। भगवान इसलिए कहते हैं कि ये मुझसे आता है। ऐसे असम्मोह, एक तो मोह है, यानी मोह क्या, आसक्ति या भ्रम, संसार में आसक्त हो जाता है, भ्रम के कारण आसक्त होता है कि ये मेरा है, आदमी भ्रमित हो जाता है कि ये मेरा है, ये मैं हूं। तो ये मैं और मेरे का जो चक्कर है, ये मोह है, और इस चक्कर से छुटकारा जो दिला देता है वो है असम्मोह। मोह है भ्रम, भ्रम संसार का जाल बुनता है, तो संसार में फंसता है कि भगवान को भूल गया है, तो मोह भ्रमित है, भटक रहा है, भ्रम भटकाता है, संसार में भटकाता है। असम्मोह यानी अभ्रमित, अभ्रम, भ्रम रहित, भ्रम मुक्त, डाउटलेस। तो भ्रम मुक्त आदमी कब होता है, माया मुक्त कब होता है, माया यानी भ्रम, इल्यूजरी पोटेंसी ऑफ लॉर्ड। तो माया मुक्त कब होता है, जब मायापति के चरणों का ध्यान करता है। तो अनासक्त कब होता है, जब भगवान की, भगवान का ज्ञान उसको उदय होता है, भगवत ज्ञान की जब उसको प्रेरणा मिलती है किसी संत से, साधु से, तो ये संसार के सभी चीजों में उदासीन भाव से रहता है, न्यूट्रल में रहता है, कुछ मिले तो भी भगवान को अर्पण करता है, नहीं मिले तो भगवान की इच्छा समझता है। भ्रम से मुक्त होता है जो भगवान की शरण लेता है। कोई नहीं चाहता कि मैं भ्रमों में पड़ा रहूं, भ्रमों में पड़ा हुआ जीव तो संशय आत्मा विनश्यति, जो जिसको संशय है भगवान कहते हैं वो आत्मा तो उसका तो नाश हो जाता है, उस प्राणी का नाश हो जाता है, अधोगति हो जाती है उसकी, पतन हो जाता है उसका, जो संदेह जिसके हृदय में भरे हुए हैं, कदम कदम पर संदेह है, वो व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। संदेह युक्त प्राणी की दशा ऐसे ही है जैसे चौराहे पे कोई आदमी भ्रमित हो गया हो, दिशा भूल हो जाना, किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। लेकिन जो भगवान की शरण में होते हैं वो दिशा भूल नहीं होते, वो भ्रमित नहीं होते, वो भ्रम मुक्त होते हैं, उनको रास्ता साफ दिखाई देता है, उनको वस्तुएं ठीक वैसी दिखाई देती है जैसी वे हैं, तब वो भगवान को पहचानता है कि सकल भूमि गोपाल की, ये सारी पृथ्वी गोपाल की है, मेरा नहीं कुछ। फिर वो मैं और मेरे के चक्कर से निकल जाता है, भ्रम से निकल जाता है। भ्रम से निकला हुआ आदमी आनंद को प्राप्त होता है।